हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हमें अगर छोटी सी कुछ महंगी चीज़ें मार्केट से ख़रीदना होता है तो हमें उसके बारे में हज़ार बार सोचना पड़ता है, और तो और कई बार तो हम इन चीज़ों को ख़रीदते भी नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे पास पैसे की बहुत कमी होती है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आखिर पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं? पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है कि जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब बनते चले जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब आदमी ही जैसी रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसों के विषय में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक समरी बताने जा रहा हूँ, जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये किताब और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। तो चलिए बिना देर किए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक है, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रह गए और गरीबी में ही मर गए, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उसके दूसरे पिता, जो कि 8वीं तक पढ़े लिखे थे मगर काफ़ी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। रिच डैड वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करे और उसके बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वे केवल रिच डैड की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने रिच डैड से 6 लेसन सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। तो चलिए जानते हैं इन 6 लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे, तब उसने रिच डैड से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। तो रिच डैड ने कुछ बताने से पहले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपया देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब ऐसी होती है, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी लेकर खुश रहो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा कि वह माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक्स के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उसका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं थी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती है। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीना कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं।
इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज। जिन्हें ये समझ में आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे आप अगर समझ गए तो बड़े बड़े MBA करने वाले से भी आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या है। दोस्तों, एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे मान लेते हैं, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो आपकी सिर्फ लायबिलिटीज है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला या अबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। दूसरा एग्जांपल, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि आप उसे लोन पर ले रहे हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत, अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दुगुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता है, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, लेखक ने एसेट को 6 भागों में बांटा है। नंबर 1, स्टॉक, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड आते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट्स, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। नंबर 4, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज म्यूजिक, नोबेल एंड पेटेंट्स। अगर आप कोई भी आर्टिस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चल रहा होता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वगैरह। तो दोस्तों, आप भी एसेट्स जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते रहते हैं। ये अमीर बनने का लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्त भर रहे होंगे, या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। लेसन नंबर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेज खोली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बर्गर किंग। दोस्तों, बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स इत्यादि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत होती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। आपके सामने असंख्य बिजनेस हो सकते हैं। आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आपकी समझ भी हो। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। जैसे मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही यदि विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके हैं। और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं, और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है, और अगर नहीं चुकाएंगे तो उसे सजा दी जाती है, उसके जमीन हड़प ली जाती है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह से वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसों से पैसा बनाते रहते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था।
बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन कराया, आसपास का कूड़ा कचरा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब एक फिल्म स्टार अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए, इससे वो और भी रिच होता चला गया। तो दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते हैं ये तो आपने देख ही लिया, और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीजें कैसे की जाती है। बिजनेस या कोई कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं, इन सब बातों को आपको जानना होगा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। नंबर 3, पीपल्स मैनेजमेंट। दोस्तों, इसका मतलब है कि इम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है, कैसे आप अपने इम्प्लॉय को खुश रख सकते हैं, कैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है। जैसे कुछ कंपनी ओनर ऐसे होता है जो अपने स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है, इसके लिए हर लेवल पर इम्प्लॉय होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA डिग्री वाले को ये चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए बुक समरी के साथ।